मेरे ख्याल से नादिर अली पी फॉर पकाओ चैनल, मुझे वो अच्छे इस वजह से लगते हैं क्योंकि आपने जिस तरह की बात की कि आजकल के दौर में जब इतनी परेशानियां हैं, इतने दुख हैं, तो जब आपको कोई हंसाता है और लगातार हंसाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो नादिर अली मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं। मेरा फेवरेट यूट्यूबर है मुबशर सदीक और उसका एक छोटा भाई ज़ैनुल आबिदीन और मुबशर सदीक जो कि कुकिंग चैनल है। कुकिंग चैनल है और आजकल उन्होंने ना व्लॉग वाला भी अपना दूसरा चैनल क्रिएट किया हुआ है। व्लॉग वाला भी अपना दूसरा चैनल क्रिएट किया हुआ है। आप बोल भी उसी की तरह हैं, आप पता नहीं कितने बड़े फैन हैं, कब से फॉलो कर रहे हैं मुबशर सदीक को। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेब अहमद और आप देख रहे हैं डेली लाइफ पाकिस्तान। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं वो है यूट्यूब और पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर्स और यूट्यूब का क्या स्कोप है, कितना कौन कौन से व्लॉगर का कितना पब्लिकली फ़ैन यहाँ पर घूम रहा है, आज हम यही देखेंगे। जैसे कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स का अगर मैं नाम लेता चलूँ तो उसके अंदर डकी भाई, मास अफदर, नादिर अली, और अगर हम फिर कैनेडियन यूट्यूबर्स की बात करें तो उसके अंदर से एक कैनेडियन पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं उनमें से फिर शावीर जाफरी, शाम इदरीस और ज़ैद अली टी जैसे नाम आते हैं। तो बस चलते हैं पब्लिक में और लोगों से जानते हैं कि ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग इन यूट्यूबर्स में पाकिस्तान में, इन यूट्यूबर्स की ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग किसकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मुबीन अहमद। मुबीन अहमद, मुबीन फेवरेट यूट्यूबर कौन है? फेवरेट या मोस्ट फेवरेट, चलो वैसे ही ओवरऑल यूट्यूबर्स में बता दो किसको ज़्यादा देखते हो या कौन सा ऐसा यूट्यूबर है जो पसंद नहीं है, कुछ कहो। हमारे पाकिस्तानी जितने भी टैलेंटेड यूट्यूबर्स हैं, नादिर अली, मास अफदर, डकी भाई और फिर कैनेडियन उसमें देख लें तो फिर वो आ जाते हैं अपने शावीर जाफरी और फिर मुबशर सदीकी का भी अभी एक नाम है। तो मतलब इनमें कौन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? डकी भाई अच्छे लगते हैं। क्या अच्छा लगता है? एक तो ये है कि वो लाहौर के हैं, उनसे ये एक दफ़ा इंटरेक्शन भी हुई है, दूर से देखा मैंने, उनको इशारा भी किया था मैं, मतलब ऐसा दूर से ऐसे जवाब करके जवाब भी दिया। तो ये देख के आपको क्या लगा कि आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मकसद पूरा हो गया? नहीं मैं ओ यार की यही है यूट्यूबर, ये भी है, नहीं यही नहीं है, आई एम सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, ये भी एक यूट्यूबर है। अच्छा अच्छा, नहीं यार गलत बात है ना, हाय गाइस, मतलब आप पहले वो गालियां देता रहे, अब आ गया व्लॉगिंग पे। रोस्टिंग तो एक बाकायदा कंटेंट है ना, वो तो उसमें आप उस चीज़ पे तनकीद करें। एब्सोल्युटली आपको पसंद नहीं? मुझे नहीं पसंद। तो आप मत देखा करो। मत देखा करो, उसकी शक्ल ही सामने आती है वो अगर वीडियो 1 मिलियन में ना जाए पैसे लगा लेगा कि पूछ करता है 1 मिलियन तक, बाकी अल्लाह की कसम ऐसे ही है, कसम भी उठा लिया। हाँ मुझे पता है, मैंने देखा है 1 मिलियन पर जबरदस्ती लेके जाता है कोई, हर वीडियो 1 मिलियन में नहीं जा सकती। नहीं करो ऐसे ही है भाई, पैसे लगाता है ये, अगर 1 लाख भी कम है ना इसको प्रमोट गूगल एडवर्ड से, वो यूट्यूबर है। हाँ वैसे भाई दिस इज नॉट फेयर, मैं पैसे लगा रहा है गूगल एडवर्ड पे उसको प्रमोट करता है और वो चाहता है हर, इसलिए तो हर वीडियो उसकी 2 मिलियन 1 मिलियन में जाती है। डकी का कोई फनीएस्ट व्लॉग जो देख के आपको लगा हो कि यार हाँ ये अच्छा लगा? मुझे कुत्ते ने काट लिया। ओ अभी जो रिसेंटली कुत्ते ने काटा था, कुत्ते को टांगे लग, ओ वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? अब्दुल्ला जवेद। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले पूछा था क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अरे बंदा हाजिर दिमाग नहीं, मैंने पहले नाम ही पूछा था। मैंने अब्दुल्ला जवेद कह दिया। हाँ तो सही तो कहा था आपने, तो आपने कहा क्या नाम है आपका, परेशान कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अब्दुल्ला भाई टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा आज का ये है कि आपका फेवरेट यूट्यूबर पाकिस्तान से कौन है? अच्छा मेरा फेवरेट यूट्यूबर है मुबशर सदीक और उसका एक छोटा भाई ज़ैनुल आबिदीन और मुबशर सदीक जो कि कुकिंग चैनल है। कुकिंग चैनल है और आजकल उन्होंने ना व्लॉग वाला भी अपना दूसरा चैनल क्रिएट किया हुआ है। व्लॉग वाला भी अपना दूसरा चैनल क्रिएट किया हुआ है। आप बोल भी उसी की तरह हैं, आप पता नहीं कितने बड़े फैन हैं, कब से फॉलो कर रहे हैं मुबशर सदीक को? उससे फॉलो कर रहा हूँ आई थिंक 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। 2 साल से बंदा एक को फॉलो, देखो किसी को फॉलो करने से ना उसके अंदर आदतें बड़ी उस जैसी आ जाती हैं। 2 साल से बंदा मुबशर सदीक को फॉलो कर रहा है और अब बोल भी वैसे रहा है बाद में लगेगा ना, इसलिए मैं उसे क्या जबरदस्त, मतलब मुबशर सदीक के इलाके से। हाँ वो ना असल में वो जिला नारोवाल में आता है, वैसे नहीं वैसे जफरवाल के करिए हम, शकरगढ़ से जफरवाल से आगे दरमान अड्डा भी है। हाँ दरमान में बिल्कुल। हाँ मुझे भी पता है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, क्या कहना चाहते हो उससे, मुबशर सदीक से कोई ऐसी चीज़ सीखी है जो अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की? हाँ यार उस बंदे ने मतलब कि वो एक हिसाब से बहुत गरीब था, ठीक है, उसने समझ लिया कि जीरो से वो हीरो बना है। हाँ यार उसको देख के तो नहीं लगता, मतलब घर बार और उसका किचन देखे ना पहले, क्या सब कुछ यूट्यूब से कमाया, यूट्यूब से कमाया। अगर उसकी अर्निंग देखे ना, अर्निंग तो बताऊँ उसकी क्या नाम, अर्निंग ना बताओ, फिगर दे दो एक कोई ऐसा बता दो। उसने ये मतलब एक महीने में वो कितनी कार्स, भाई वो एक महीने में इतना कमा लेता कि वो हर महीने अपनी कार चेंज कर सकता है।
इससे ज़्यादा ही होगा वो उसका घर भी आप माशाल्लाह देख लो, उन्होंने अच्छा बनाया ठीक है। बाकी उसने एक किचन देख लिया आप, मतलब कि वो मिट्टी का उसने बनाया, तो आप माशाल्लाह उसने घर भी नया बनाया और किचन सेटअप भी उसने साथ खेतों में कर लिया है ठीक है। अब तो वो माशाल्लाह वो व्लॉग भी बनाता है। और उसका जो छोटा भाई है ज़ैनुलाबिदीन, तो उसने उसको उसने उसका जो एक भाई मतलब पहले मुबशर सदीक का चैनल चला, फिर उसने अपने भाइयों को यूट्यूब पे का जब चैनल उसकी ना वो एक आलू वाला पराठा वो उससे फेमस हुआ था ठीक है। उसने पहले मतलब सभी फेमस हो गए। अब बस मुझे ये बता दें मुबशर सदीक का कोई डायलॉग आता है? हाँ, वो जब वो कोई भी चीज़ बनाता है ना तो वो अपने अब्बा जान को कहता है ले जी अब्बा जान चेक करें, तो फिर किस तरह कहता है प्रॉपर डायलॉग होगा? वो कहते हैं कि मतलब यही कहते हैं कि अब्बा जी ये देखें ये डिश जो भी मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको मुबशर सदीक साहब ये कहते हैं ले अब्बा जी चेक करें, बोले ऐसे ही डायलॉग बोले ले अब्बा जी चेक करें। वाह मुबशर फतर खुश की तई ऐसे ही बोलते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे बोलते। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? अली शान। अली शान, अली भाई वैसे थोड़ा सा अपने बारे में बता दें क्या करते हैं? मैं बेसिकली आउट ऑफ कंट्री से आया हूँ और मुझे 3 दिन हुए आए हुए और मैं अपने भाई की शादी अटेंड करने आया और इस वक्त शॉपिंग कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। चलें, अगर आप बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं तो एक छोटा सा सवाल करूंगा, बैरून मुल्क पाकिस्तानी जब पाकिस्तान के इस करंट सिचुएशन में पाकिस्तान में आता है और मौजूदा हालात को देख के वो सबसे पहले क्या सोचते हैं? बहुत ज़्यादा महंगाई है, दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए दुआ तो करते होंगे? बिल्कुल करते हैं, हर लम्हा करते हैं, क्योंकि जो लिविंग स्टैंडर्ड जो लाइफ स्टैंडर्ड बाहर मिलता है हमें वो यहाँ पर नहीं मिल रहा अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो भाई जान टॉपिक हमारा ये कि बेस्ट यूट्यूबर ऑफ पाकिस्तान का खिताब आप किसको देना चाहते हैं? आपके लिए ऐसा कौन सा यूट्यूबर है जिसकी वीडियोस देख के आपको वो एंटरटेनिंग भी लगती हैं और आपको उससे मोटिवेशन भी मिलती है और आप बहुत सारी चीज़ें उसकी पर्सनल लाइफ से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश करते हैं, वो कौन सी पर्सनैलिटी है आज बता दें पब्लिक को? मेरे ख्याल से नादिर अली, पी फॉर पकाओ चैनल। मुझे वो अच्छे इस वजह से लगते हैं क्योंकि आपने जिस तरह की बात की कि आजकल के दौर में जब इतनी परेशानियाँ हैं, इतने दुख हैं, तो जब आपको कोई हंसाता है और लगातार हंसाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो नादिर अली मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं। ज़बरदस्त, थोड़ा सा प्लीज़ आगे आइएगा। हाँ, अब मुझे ये बताएं नादिर अली आपके फेवरेट यूट्यूबर हैं, नादिर अली का कोई डायलॉग याद है जो वो प्रैंक्स में अक्सर यूज़ करते हैं? अक्सर मतलब यूज़ करते हैं वो, लेकिन जो उनका सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं साथ, वो बहुत मतलब उनकी बातों से ज़्यादा वो कॉमेडी आइटम तो बहुत बढ़िया है, आइटम तो बहुत बढ़िया, तो वो मैं उनको इस वजह से पसंद करता हूँ। मैं आपके साथ एक नादिर अली का डायलॉग करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आपने कहना ठीक हूँ मैं। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। ये ठीक हैं आप? नादिर अली का सबसे अच्छा मुझे लगता है पर्सनली डायलॉग। वेल, नादिर अली के लिए कोई मैसेज या नादिर अली के लिए कोई बेस्ट विशेज? अब तो माशाल्लाह उनका अल्लाह ताला ने औलाद से भी नवाज दिया है, तो उनके और जिस तरह उन्होंने तरक्की किया है माशाल्लाह, वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो प्लीज़ इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बोल। नादिर अली, सबसे पहले आपके बेटा हुआ शायद उनका कि बेटी, कन्फर्म नहीं है, उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद कीप इट अप, यू बीन डूइंग अ वेरी गुड वर्क। कीप इट अप किस चीज़ में कह रहे हैं? अच्छे प्रैंक्स बनाते रहो और लोगों को हंसाते रहो। ज़बरदस्त, मैं समझा वो जो हमने औलाद वाली बात की है उसमें कह रहे हैं। उसमें भी की पिटा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, आपने जाना कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके हवाले से उनके कितने फैंस पब्लिकली हमें मिलते हैं। कोई नादिर अली का फ़ैन था तो कोई मुबशर सिद्दीकी साहब का फ़ैन था, तो ये बहुत ही अच्छा और मज़ेदार, मुझे आज पर्सनली भी बड़ा मज़ा आया इन यूट्यूबर्स के बारे में पब्लिक की राय लेना, क्योंकि बड़े मज़े मज़े के जवाब आते हैं आगे से। और इसी के साथ बस अपने मेज़बान सुहेब अहमद को दे दीजिए डेली लाइफ पाकिस्तान के आज इस मज़ेदार सी वीडियो के साथ इजाज़त, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं सुहेब आप यूँ आउटरो या इंट्रो करते हुए ना ज़्यादा मूव क्यों करते हो, तो भाई वो अंदर पता नहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो कि मुझे तंग करती है और मैं मूव करने के ऊपर मजबूर हो जाता हूँ। वेल, इसी के साथ अब बस अल्लाह हाफिज़।